एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों की, जो कि हमारे आने वाले हर एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्थल हैं एक तरफ और दूसरी तरफ इनके जिले बताए हुए हैं। तो जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है, किस जिले में है, हनुमानगढ़ में है। ये सब पुरातात्विक स्थलों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है हनुमानगढ़ में है, कहाँ पर, गग्गर नदी के किनारे, ठीक है। बैराट, बैराट पुरातात्विक स्थल कहाँ है, जयपुर में है। बागौर, जो बागौर का पुरातात्विक स्थल है, बागौर सभ्यता, भीलवाड़ा में, ठीक है। बागौर कहाँ है, भीलवाड़ा में। नलियासर, नलियासर कहाँ पर है, सांभर, जयपुर जिले में, सांभर में है नलियासर, ठीक है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा है बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में। तो देखिए, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में, बैराट है जयपुर में, बागौर है भीलवाड़ा में, नलियासर है सांभर जयपुर में, तिलवाड़ा है बाड़मेर में। नेक्स्ट देखते हैं, नूह कहाँ पर है, नूह है भरतपुर में। जो नूह स्थल है पुरातात्विक, वह है भरतपुर में। गिलुंड, गिलुंड है राजसमंद में। रेड टोंक में है, रेड। रंग महल हनुमानगढ़। सुनारी है खेतड़ी झुंझुनू में, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए, नूह कहाँ है आपका, नूह है भरतपुर में, गिलुंड है राजसमंद में, रेड है टोंक में, रंग महल हनुमानगढ़ में, और सुनारी है खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में है सुनारी। नेक्स्ट है आहड़, आहड़ सभ्यता कहाँ की है, उदयपुर की। तो आहड़ स्थल कहाँ पर है, वह भी उदयपुर में ही है। नगरी कहाँ पर है, नगरी है चित्तौड़गढ़ में। नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। गणेश्वर, गणेश्वर है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर की, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर की है, तो गणेश्वर स्थान कहाँ पर है, नीम का थाना सीकर, गणेश्वर, ठीक है। जोधपुरा कहाँ पर है, जयपुर। इसको जोधपुर मत समझना, ये है जोधपुरा, जोधपुरा है जयपुर में, और बालाथल है उदयपुर में। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए, आहड़ कहाँ पर है, रिपीट कर लीजिए एक बार, आहड़ है उदयपुर में, नगरी है चित्तौड़गढ़ में, गणेश्वर नीम का थाना सीकर, जोधपुर, जोधपुरा कहाँ है, जयपुर में, और बालाथल उदयपुर में है, बालाथल। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पुरातात्विक स्थल। थैंक यू।